शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के अरगाम गांव से ताल्लुक रखने वाली 26 साल खातून शायदा खानम ने गुज्जर सकाफत को बचाने के लिए अपने घर को इन्होंने म्यूजियम में तब्दील कर दिया है। एक साल पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शायदा की तारीफ करते हुए बताया था, शायदा वादी कश्मीर के हजारों नौजवानों के लिए एक जिंदा मिसाल है। क्या कुछ मजीद शायदा की कहानी है, आए देखते हैं। देखिए, दिसंबर 2016 में हम लोग लोक रंग भोपाल में गए थे, एज स्टूडेंट थे तब हम, तो स्कूल के साथ गए थे। वहां पे हमारा कल्चर इवेंट था, हम ट्राइबल्स को ट्राइबल कल्चर को लेके आगे जा रहे थे। वहां पे ट्राइबल्स का फेस्टिवल था जिसे लोक रंग बोलते, उसमें हर स्टेट के ट्राइबल्स थे, हर स्टेट के ट्राइबल्स, उनका अलग अलग पहनावा था सबका। और हम लोग जो थे, हमारा किसी का ड्रेस अलग था, किसी की टोपी अलग थी, किसी मतलब एक जैसे नहीं दिख रहे थे। जैसे वो लोग एक जैसे दिख रहे थे, वैसे हम लोग नहीं दिख रहे थे। तो तभी मैंने सोचा था कि मैं अपने इस कल्चर को आगे लेके जाऊंगी और इसको मैं ही बढ़ावा दूंगी। लास्ट ईयर में जब फेस्टिवल हुआ था ट्राइबल्स का, तो तब एसकेएससीसी में एलजी साहब जो थे, उन्होंने मतलब अप्रिशिएट किया था मुझे कि ऐसे बांडीपुरा की एक लड़की है जो अपने कल्चर को बचाने की कोशिश कर रही है। तो तब से मेरा हौसला और भी बढ़ा। और उसके बाद जब 26 जनवरी पे मुझे डीसी सर ने अपनी सेशन अवार्ड दिया बांडीपुरा में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां तब से मेरा हौसला और बढ़ता जा रहा और इस काम को मैं आगे और लेके जा रही हूँ। हमारा जो ट्राइबल कल्चर है, इसके लिए हमारे जिला इंतजामिया है जो, या और भी लोग हैं हमारे जो है बड़े बड़े लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए, इस काम को सराहना चाहिए। एक अगर इंसान काम कर रहा है, उसको अगर कोई अप्रिशिएट करेगा, तो फिर उसका हौसला और भी बढ़ जाता है। तो मेरा यही सबसे मकसद यही है, कहना भी यही है और मकसद भी यही है कि अपने कल्चर को बचाना है। हमारा ही कल्चर जो ट्राइबल कल्चर है, यानी जैसे कश्मीरी लोग हैं या और भी लोग हैं, हर हर कम्युनिटी का अलग अलग कल्चर है, सबों को चाहिए कि वो अपना कल्चर बचा के रखें। मैंने जो यहाँ पे म्यूजियम रखा है, इसमें हमारे जो गुज्जर लोगों के जो भी पुरानी रिवायती जो भी चीजें थी वो इकट्ठा करके रखी है, जिसमें हमारा जैसे आज प्लास्टिक चेयर्स हैं, हमारी लकड़ी की चेयर होती थी, हम उसे पीड़ा बोलते हैं, त्रपाई बोलते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नायाब हो रही थी, जो बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो अब मैंने उनको इकट्ठा करके संभाल के रखा है। ऐसी दो चार चीजें ऐसी भी हैं जिनको 100 ईयर्स अब हो चुके हैं, वो बहुत पुरानी चीजें हैं। मेरे हर लोग के लिए यही मैसेज है कि अपने कल्चर को बचा के रखें। हमारा कल्चर बहुत खूबसूरत है, इसको आगे लेके जाएं। ऐसा ही नहीं है, यहीं तक महदूद नहीं है कि हम इधर ही बैठ के इसको बचाएंगे, आगे भी लेके जाना है।